हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आप सबका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। सो गाइज, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल का और काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला गाइज, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 न्यू सर्वाइवल गेम्स फॉर योर एंड्रॉइड डिवाइस। अभी मजा आएगा ना वीडियो, जो कि गाइज आप लोगों को काफी ज्यादा कमाल के ग्राफिक्स प्रोवाइड करने वाले, काफी ज्यादा कमाल का एक्सपीरियंस है गेम आपको प्रोवाइड करने वाले। इसमें आप लोगों को क्राफ्टिंग भी देखने को मिलने वाले, जॉम्बी सर्वाइवल भी देखने को मिलने वाले, काफी बड़ा ओपन वर्ल्ड एरियाज भी देखने को मिलने वाला है। समझ रहे हो आप? तो गाइज ओवरऑल आज के सभी गेम्स काफी ज्यादा कमाल के और काफी ज्यादा तगड़े होने वाले हैं। तो गाइज आई होप आप सभी लोगों को जरूर पसंद आएंगे। और गाइज अगर आपको वीडियो या फिर एक गेम पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, नहीं कमेंट सेक्शन में जाके डन कमेंट जरूर कर देना। और गाइज अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना, बिकॉज इन फ्यूचर काफी सारे नए नए वीडियोज आने वाले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइज चलिए अभी और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस जो हमारे लिस्ट का 5th नंबर का गेम निकल के आता है, काफी ज्यादा कमाल का गेम होने वाला है। और गाइस इस गेम का नाम होने वाला है रेडिएशन। और गाइस इस गेम की साइज आपको अराउंड 1.2 GB के आसपास देखने को मिल जाती है। और गाइस ये गेम बहुत ज्यादा कमाल का है, आई होप आप सभी लोगों ने इस गेम के बारे में जरूर सुना होगा। तो गाइस चलिए अभी इस गेम की ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं। तो गाइस आपको इसमें काफी ज्यादा कमाल की ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, उसके साथ में गाइस आपको इसमें काफी ज्यादा कमाल की एक स्टोरी भी देखने को मिल जाती है। मतलब गाइस आपके सिटी में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट खराब हो जाता है, उसकी वजह से गाइस काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। और गाइस आपके सिटी में जितने भी लोग हैं वो सभी जॉम्बीज बनने वाले। तो गाइस अभी आप लोगों को उन सभी जॉम्बीज तो बचते हुए आप लोगों को वहाँ पे सर्वाइव करना है, आपको खुद का शेल्टर क्रिएट करना है, आप लोगों को काफ़ी सारे वेपन्स क्रिएट करने को मिलने वाले। आप आपके खुद के वेपन्स क्रिएट कर सकते हो उन जॉम्बीज को मारने के लिए। और गाइस आप लोगों को जिंदा रहने के लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली। तो गाइस आप लोगों को लोकल एरिया से वो सभी रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है। तो गाइस ओवरऑल गेम को प्ले करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आपको। इसमें काफ़ी कमाल का ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिल जाता है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते। तो गाइस इसके लिए आप इस गेम को जरूर ट्राई कर लेना। और गाइस अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। तो गाइस चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइस हमारे लिस्ट का 4th नंबर का गेम निकल के आता है, काफी ज्यादा कमाल का गेम होने वाला है। और गाइस इस गेम का नाम होने वाला है क्राइसिस एक्स द लास्ट सर्वाइवल। और गाइस इस गेम की साइज आपको अराउंड 330 MB के आसपास देखने को मिल जाती है, जो कि गाइस काफी ज्यादा कमाल के ग्राफिक्स आपको एक गेम प्रोवाइड कर देता है। उसके साथ में गाइस आपको एक काफी ज्यादा कमाल का एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करने वाला है। सो गाइस इस गेम में आपको एक ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लोर करना है। और गाइस सबसे बढ़िया बात, आप लोग आपका जो कैरेक्टर है उसे मॉडिफाई करके आप इस गेम में यूज कर सकते हो। मतलब गाइस आपके कैरेक्टर को आप कस्टमाइज कर सकते हो। सो गाइस इस गेम का कॉन्सेप्ट भी बाकी गेम्स की जैसे होने वाला है, ये जॉम्बी सर्वाइवल टाइप का एक गेम होने वाला है। आप लोगों को इसमें काफी सारे जॉम्बीज देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस आप लोगों को उन सभी जॉम्बीज से बचते हुए या फिर उनको मारते हुए आपको सर्वाइव करना है। और गाइस आप लोगों को बहुत सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करना होगा, क्योंकि खुद को जिंदा रखने के लिए आप लोगों को खुद का शेल्टर बनाना पड़ेगा। आपको इसमें व्हीकल्स देखने को मिल जाते हैं, आपका जो कैरेक्टर है स्विमिंग भी कर सकता है इस गेम में। तो गाइस ओवरऑल ये जो गेम है ना काफी ज्यादा कमाल का, आप लोगों को बहुत ज्यादा कमाल का एक्सपीरियंस गेम प्रोवाइड करने वाला है। तो गाइस आप लोग इस गेम को जरूर ट्राई कर लेना। और गाइस अगर आपको ये गेम पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइस जो हमारे लिस्ट का 3rd नंबर का गेम निकल के आता है, काफी ज्यादा पॉपुलर काफी ज्यादा तगड़ा गेम होने वाला है। सो गाइस इस गेम का नाम लास्ट आइसलैंड ऑफ सर्वाइवल। और गाइस इस गेम की साइज आपको अराउंड 1.8 GB के आसपास देखने को मिल जाती है। और गाइस ये गेम पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है, मतलब गाइस आप आपके फ्रेंड्स के साथ इस गेम को मल्टीप्लेयर में एंजॉय कर पाएंगे। तो गाइस अगर हम लोग इस गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो गाइस आपको इसमें काफी ज्यादा कमाल की और काफी ज्यादा तगड़ी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। आप लोगों को प्ले करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइस इस गेम का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन गाइस आपको इसमें सर्वाइव तो करना ही है। मतलब गाइस आप लोगों को इसमें आपके शेल्टर्स क्रिएट करने हैं, आपकी गन्स को क्रिएट करना है, आपके वेपन्स को खुद से क्रिएट करना है, काफी सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है खुद को जिंदा रखने के लिए। लेकिन गाइस इस गेम में आप लोगों को एक ऑन एड ऑन फीचर देखने को मिल जाता है। मतलब गाइस आप लोगों को इस गेम में एक लिमिटेड टाइम पीरियड देखने को मिल जाता है, उसी लिमिटेड टाइम पीरियड में आप लोगों को आपको खुद को अपग्रेड करके उस आइलैंड से आपको बाहर निकलना है, तभी आप इस गेम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो गाइस ये जो छोटा सा ट्विस्ट है ना, इसके साथ प्ले करने में बहुत ज्यादा मजा आता है आपको। इसमें
काफी ज्यादा कमाल के एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके ऊपर अटैक करने वाले, तो गाइज आपको उनसे भी बचते हुए इस गेम को कंप्लीट करना है। तो गाइज आप लोग इस गेम को जरूर ट्राई करना, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो गाइज चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइस जो हमारे लिस्ट का सेकंड नंबर का गेम निकल कर आता है वो काफी ज्यादा कमाल का गेम होने वाला है। सो गाइस इस गेम का नाम होने वाला है लॉस्ट इन ब्लू। और गाइस इस गेम की साइज आपको अराउंड 670 एमबी के आसपास देखने को मिल जाती है। और गाइस इस गेम के ग्राफिक्स भी आपको काफी ज्यादा कमाल के देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइस इस गेम का जो कैमरा एंगल है थोड़ा सा ऊपर के साइड में, फिर भी गाइस गेम को प्ले करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और गाइस आप लोगों को इसमें काफी ज्यादा कमाल की स्टोरी देखने को भी मिल जाती है। मतलब गाइस गेम की स्टार्टिंग में आपका जो कैरेक्टर एक प्लेन में बैठा हुआ होता है और गाइस एक्सीडेंटली वो जो प्लेन क्रैश हो जाता है। आप लोग एक आइलैंड पे पहुंच जाते हो और गाइज उस आइलैंड पे ऑलरेडी काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज अभी आप लोगों को उन ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए खुद को सर्वाइव करना है, आपको खुद का शेल्टर क्रिएट करना है, काफी सारे वेपन्स क्रिएट करने हैं और गाइज आप लोगों को उस आइलैंड से बाहर निकलना है। तो गाइज गेम को प्ले करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, काफी ज्यादा कमाल की स्टोरी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो गाइज आप इस गेम को जरूर ट्राई कर लेना और गाइज अगर आपको गेम पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। तो गाइज चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइज जो हमारे लिस्ट का फर्स्ट नंबर का गेम निकल के आता है वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवल गेम होने वाला है। और गाइज इस गेम के बारे में मुझे आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं क्योंकि गाइज ये गेम ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। सो गाइज इस गेम का नाम होने वाला है लाइफ आफ्टर। और गाइज आई होप आप सभी लोगों ने इस गेम के बारे में जरूर सुना होगा। सो गाइज इस गेम की साइज आपको अराउंड 6.5 GB के आसपास देखने को मिल जाती है। मुझे मालूम है गाइज इस गेम की साइज थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन गाइज इस गेम में आपको काफी ज्यादा कमाल की और काफी ज्यादा तगड़ी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, काफी कमाल की स्टोरी लाइन देखने को मिल जाती है, काफी कमाल का एक ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिल जाता है जहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और गाइज आपके पूरे सिटी में काफी सारे ज़ॉम्बीज भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज अभी आप लोगों को उन सभी ज़ॉम्बीज से बचते हुए खुद को सर्वाइव करना है और गाइज आपको खुद का शेल्टर भी क्रिएट करना है, काफी सारे वेपन्स क्रिएट करने हैं आपको और गाइज उन सभी ज़ॉम्बीज को आप लोगों को मार। और गाइज ये सभी चीजें करने के लिए आपको काफी सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली है। तो गाइज आप सभी वो रिसोर्सेज आपके लोकल एरिया से कलेक्ट कर सकते हो खुद का जिंदा रखने के लिए और गाइज आपको वेपन्स क्रिएट करने के लिए। तो गाइज इस गेम की जो स्टोरी है ना वो काफी ज्यादा कमाल की, आप लोग इस गेम को जरूर ट्राई कर लेना, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन गाइज ये गेम लो एंड डिवाइस में वर्क नहीं करता, अगर आपके पास अच्छा खासा डिवाइस होगा तभी आप इस गेम को ट्राई करना। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतने ही गेम्स थे, आई होप आप सभी लोगों को जरूर पसंद आए होंगे। और गाइज अगर आपको वीडियो फिर गेम पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में आके डन कमेंट जरूर कर देना। और गाइज अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इन फ्यूचर काफी सारे नए नए वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में कुछ और नए गेम्स कुछ और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।